सचिन तेंदुलकर की प्रतिभा को निखारने वाले प्रसिद्ध क्रिकेट कोच रमाकांत अचरेकर का बुधवार को निधन हो गया। वह 87 साल के थे। उनके परिवार के सदस्यों के मुताबिक वे पिछले कुछ दिनों में बढ़ती उम्र से संबंधित बीमारियों से ग्रसित थे। उनके परिवार की सदस्य रश्मि दलवी ने बताया, वह अचरेकर हमारे बीच नहीं रहे। उनका आज बुधवार शाम को निधन हो गया। अचरेकर ने बतौर खिलाड़ी अपने करियर में सिर्फ एक प्रथम श्रेणी मैच खेला था। अचरेकर को सबसे ज्यादा तेंदुलकर के बचपन के कोच के रूप में जाना जाता है और तेंदुलकर ने हमेशा ही एक बच्चे के रूप में उनके करियर को आकार देने में अचरेकर के द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार किया है। अचरेकर शिवाजी पार्क में तेंदुलकर को कोचिंग दिया करते थे। तेंदुलकर ने पिछले साल उन्हें क्रिकेटर बनाने में अचरेकर के योगदान को याद करते हुए एक कार्यक्रम में कहा था, सर ने कभी भी मुझसे वेल प्लेट अच्छा खेले नहीं कहा, लेकिन मैं जानता था कि सर जब कभी मुझे भेलपूरी या पानी पूरी खिलाने ले जाते थे तो मैं समझ जाता था कि सर खुश हैं, मैंने मैदान पर कुछ अच्छा किया है। अचरेकर को 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तेंदुलकर के अलावा वे कुछ अन्य प्रसिद्ध खिलाड़ियों के कोच रहे हैं, जिनमें विनोद कांबली, प्रवीण नामरे, समीर दिघे और बलविंदर सिंह संधु शामिल हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने कोच रमाकांत अचरेकर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अचरेकर सर की मौजूदगी से स्वर्ग में भी क्रिकेट थाई हो गया होगा। आधुनिक क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज तेंदुलकर को अचरेकर सर मुंबई के शिवाजी पार्क में कोचिंग देते थे। वह अपने स्कूटर से उन्हें स्टेडियम लेकर जाते थे।